हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई हूँ करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज अपनी हीरो इम्पल्स यानी कि ये सोनी, इसका मैं फ्रंट रिगार्ड मैंने कम से कम 20 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था हीरो के शोरूम में, तो आज मुझे फाइनली वो मिल गया है। तो मैं आज इसका फ्रंट जो है बदलने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि पता चल सके कि भाई हीरो एक्सपल्स का रिगार्ड जो है वो इम्पल्स में ईजिली लग जाता है, कैसे फिट होगा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। स्ट्रेट ट्यून गाइस, सीन ये है कि इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये नीचे यहाँ पे एक और दो और तीन चार, मतलब चार जो है बोल्ट आपको दिख रहे होंगे मे बी, तो ये बोल्ट जो है आपको खोलने हैं इजीली, ठीक है। और ये बाहर आ जाएगा वो फिट हो जाएगा, लेकिन अभी लुक जो आ रहा है ना इसका जो फेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना बड़ा लगता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। और जो एक्सपल्स का है वो इतना है, जैसे कि जो शेप दिख रही है ना आपको वो कुछ ऐसा है, तो नैरो है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है इसके अंदर। काफ़ी सारी इम्पल्स मैंने देखा है तो उसकी वजह से मेरे मन में भी आया कि क्यों ना अपनी सोनी के अंदर मरगार्ड लगाया जाए। तो इस मरगार्ड का फिलहाल लुक देख लो आप कैसा आ रहा है, बाकी फटाफट से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि फाइनल लुक कैसा आ रहा है। पहले इसको साफ़ कर लेते हैं गाड़ी को, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही है। सो गाइस 10 नंबर के बोल्ट हैं, एक हीरा एक हीरा एक हीरा, मतलब चार बोल्ट हैं। इसको मैं खोलूँगा, ठीक है। खोलने के बाद ये फेंडर जो है डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सीन ये है कि ये जो चार बोल्ट है ना इनकी जो फिटिंग है, ये एक्सपल्स का जो मरगार्ड है उससे थोड़ी सी अलग फिटिंग है, मतलब कि जो होल है ना इस मरगार्ड के अंदर चार, उसकी प्लेसमेंट एक्सपल्स वाले की अलग हो रखी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपल्स वाले मरगार्ड में एक्स्ट्रा दो होल करने पड़ेंगे जिसमें ये प्रॉपर फिटमेंट आए, ठीक है। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ, देन उसके बाद दिखाता हूँ दिक्कत आ कहाँ रही है, ठीक है। तो गाइस का फ्रंट का जो फेंडर है वो मैंने निकाल दिया है, और निकालने के बाद जो है अपनी बाइक का कुछ लुक ऐसा आ रहा है, आगे से देख सकते हैं विदाउट मरगार्ड कितनी ज़्यादा अजीब लग रही है, एकदम भद्दी जैसे बोलते हैं। साइड से दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो कितनी बेकार लग रही है। तो अभी क्या है, इसके अंदर मैं एक्सपल्स का जो मरगार्ड है वो फिट करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो फिटिंग है ना एक्सपल्स वाली ये अलग है, और जो इम्पल्स वाली है वो अलग है। तो इसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा हमारे को, बट उससे पहले मुझे इसकी भोगली देखनी होगी, भोगली यहीं की गिरी है यार। सो गाइज ये है अपना एक्सपल्स का मरगार्ड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं लेके आ चुका हूँ हीरो के शोरूम से, और ये है बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल ब्रांड न्यू। बट इसकी जो प्लेसमेंट है ये थोड़ी सी दिक्कत देगी हमारे को, बट कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी होगा आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर अभी हो जाता है अभी, क्योंकि अब क्या है कि रात का टाइम है, टाइम हो रहा है इस टाइम पर कुछ 7 बज रहे हैं। सो अभी ये देखता हूँ मैं हो जाएगा मुझसे, ठीक है, वरना फिर इसको कल सुबह करूँगा, बट हाँ ये करूँगा ज़रूर, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई सीन ऐसा है कि मैंने लगाने की पूरी कोशिश करी और हम हो गए नाकामयाब, बिकॉज मेरे को जिसने बताया था कि दो बोल्ट की जो सेटिंग आउट होती है तो आप जो है मरगार्ड के अंदर होल कर लेना और फिर इजीली लग जाएगा, बट मैंने देखा खुद लगा के भाई तो पूरी सेटिंग आउट है, जिसके वजह से मुझे आना पड़ा फहीम भाई के पास। तो फहीम भाई जो है उन्होंने मुझे पहले भगाया, फिर लोहे का सामान मिलता है, पहले टेबुलेटर करे जाओ एक पीस लेके आओ बर्फी का टुकड़ा, वो मैं लेके आया खरीद के। एक मिनट टुकड़ा दिखाता हूँ कौन सा लेके आया। सो गाइस देख सकते हैं ये जो बर्फी का टुकड़ा देख रहे हो आप, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी चादर। फहीम भाई कितनी एमएम होगी ये, कितनी गेज होगी, सॉरी 150 सूत मोटी, समझ लो हैं 150 सूत मोटी ना। तो देख सकते हो भाई ये पीस लेके आया हूँ मैं, सिर्फ 40 रुपये का दिया उन्होंने, पता नहीं सस्ता महंगा मुझे नहीं पता, बट 40 रुपये का मैंने ले लिया क्योंकि मेरे को अपना फिलहाल इसका काम कराना है। और बाकी तुम्हारा भाई लग सही था यार, एकदम बढ़िया टी शर्ट देख रहे हो, डेली डीसी व्लॉग तुम्हारे भाई की टी शर्ट जहर, ठीक है। लग कैसी रही है बताना कमेंट सेक्शन में। प्राइस कुछ भी है दूर से ना लगती बड़ी प्यारी यार, देख रहे हो, बस अभी फेंडर की वजह से अजीब गरीब लग रही है, लेकिन सच बता रहा हूँ यार, देखो नीचे देख रहे हो क्या जहर सी लग रही है यार। इम्पल्स का लुक अच्छा है जो बात है, पूरी डर्ट बाइक टाइप लगती है जो बात है। अब इसके अंदर मरगार्ड लग जाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद इसमें मैं टायर रिप्लेस कराऊंगा, फिर छोटा मोटा सा काम है वो भी कराएंगे, बट देखो यार लुक क्या बात है यार। तो भाई ये हाथ में भाई के हैं ग्रीस, और वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो प्लेट में लेके आए हैं ख़रीद के उस पर मार्किंग मिल सके बेसिकली, इस वजह से ग्रीस लगा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इससे ना अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ ये मार्क है, ठीक है ना। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल चुकी है प्रॉपर मार्किंग, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ग्रीस से आई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होल होगा ड्रिल की से, ठीक है ना, और उसके बाद इसको कर दिया जाएगा अटैच, ठीक है, और फिर जो है ये फेंडर जैसे कि आपके सामने दिख रहा है ये लग जाएगा इसमें, और लुक आएगा प्रॉपर स्पोर्टी। वही भाई ने जूस मंगाया इन भाई से, किस चीज़ का जूस है, बेल पत्थर का, तो उसमें अंगूठा दिखाओ तुम्हारा, ये जो डूबा हुआ था भाई, ये देख रहे हो अंगूठा फुल, ये मैंने दूसरा लिया, मैंने थोड़ा सा मजाक कर, अरे पी लो भाई कुछ नहीं, मजाक कर रहा था मैं तो,
फहीम भाई पी लो, सही होता है। भाई सही है ना जूस तो? वही तो यार, ये गलती हो गई, तुमने ऐसे लेके आए थे डुबक के, तुमने वो लगा दिया, मोहर लगा दी। ऊपर से रख के रहा, नीचे से पकड़ रहा। हाँ नहीं नहीं नीचे से पकड़ो उसको, नीचे से ऐसे करके नीचे पकड़ो। अब तो ले जाओ, तो हो गया काम इसका। दूसरा ला दे, दूसरा ला दो भाई, दूसरा। नहीं क्या हो गया? बेल पत्र का जूस नहीं पी पाया भाई। तो भाई देखो, जो मैं पत्ती लेके आया था, पत्तियाँ मैंने यहाँ लगा दी है, ठीक है ना। अभी क्या मार्किंग करेंगे, बाकी यहाँ पे भाई ने काटी है भोगली। भोगली क्यों लगाई, क्यों भोगली से ना जो स्पेस बन रहा है ना, वो एक्सटेंशन जो है वो उसका काम करेगा, ठीक है ना। उसको पत्ती में वेल्ड लगा के भोगली को अटैच कर देंगे वेल्ड करके, और फिर जो है मरघाट हमारा लग पाएगा। तो सोचो इतनी ऑल्ट्रेशन हो रही है तब जाके लगेगा, डायरेक्ट फिट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बोलूँगा पहले ही कि भाई इसमें अगर आप सोच रहे हो कि आप घर बैठे लगा लोगे, तो घर बैठे आप बिल्कुल लगा नहीं पाओगे। आपको फैब्रिकेटर के पास आना पड़ेगा, जैसे फहीम भाई हैं तो ऐसे इनके पास आना पड़ेगा, इस टाइप की दुकान पर जाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। अदरवाइज़ ये काम डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें नट जो है वेल्ड हो रहा है, ये देखिए किस तरीके से भाई वेल्ड कर रहे हैं, देख रहे हो मामला, मामला हो रहा है लबझब। फुलझड़ी जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे अपनी बाइक के अंदर लग चुका है फ्रंट वाला फेंडर 200 एक्सपल्स का, हमने लगाया इम्पल्स के अंदर। अभी थोड़ा डाउन दिख रहा होगा बिकॉज भाई ने जो है ना, मतलब सैंपल के लिए, मतलब हल्की फुल्की वेल्डिंग मार दी, उतार के प्रॉपर तरीके से फिट कर देंगे इसको। बाकी फिट हो चुका है, फिट करने दो इनको दोबारा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर इसका लुक। बाकी फिटमेंट हो चुकी है और लुक देख सकते हैं साइड में कैसा आ रहा है, फुल नैरो लुक है आगे से। जैसे पहले वाला जो फेंडर था वो काफ़ी ब्रॉड था, ये है नैरो, मतलब कि पतला। और बाकी लुक जो है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद था इस मरघाट का, इस वजह से मैंने इसमें इंस्टॉल करा है। बाकी आपको कैसी लग रही है भाई, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी फिट होने दो, फिर मैं आपको खत्म और करते हैं वीडियो क्लोज। सो गाइस कुछ इस तरीके से देखो, जो इन्होंने भोगली बनाई है वो यहाँ पे इन्होंने वेल्ड कर दी है। तो भाई देखो कुछ फिटिंग हमारी हो गई है और ऐसी लग रही है बाइक अपनी, ठीक है ना। बाकी फिटिंग ओके, ठीक है। और आगे से देखो ये टायर है, टायर की सीध में ये, और ओके, ठीक है ना। तो फिटिंग एकदम 0-0 हो गई है, ठीक है। साइड से बार और लुक चेक कर लो, और डिस्टेंस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, डाउन आ रहा है, नैरो है। और उसके लिए बताया था आपको मैं, प्लेट देख सकते हैं आप, ये प्लेट बनाई है, ये इसकी ओरिजिनल फिटिंग है, ये प्लेट बनाई और नीचे तरफ भोगली लगाई और उसमें बोल्ट डाल के बोल्ट नट टाइट कर दिया, मतलब वेल्डिंग कर दिया और फिर नीचे नट टाइट कर दिया, ठीक है ना। तो ओके की रिपोर्ट वाला काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मज़ेदार काम हुआ है, ठीक है। इसी नोट पे वीडियो को एंड करूंगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।